हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेसी 241 जिसका हमें फ्रंट एक्सल का भी काम करना है और उसका क्लच जॉब भी करना है। तो बहुत से लोगों का हम पे कमेंट है कि अब्दुल भाई, इसका फिंगर का सेटिंग कैसे किया जाता है, वो आप हमें एक वीडियो बना के दिखाना। काफ़ी लोगों का ऐसा कॉमेंट था, तो चलो मैं इसका फ्रंट एक्सल का और ये हाइड्रोलिक वगैरह का भी काम है, वो सब वीडियो तो मैंने पहले ही डाले हुए हैं, लेकिन इसका क्लच का सेटिंग, इसका जो क्लच का फिंगर है उसको कैसे सेटिंग करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देख सकते हैं, अभी हमने इसका नया क्लच प्लेट और पीटीओ वाला प्लेट वो भी नया डाल दिया है और इसको हमने यहाँ पर फिटिंग कर लिया है स्पेशल टूल की मदद से। तो अभी हमें इसका ये मेन फिंगर और पीटीओ वाला फिंगर दोनों सेटिंग करना है। तो इसका पीटीओ का जो फिंगर है ये वाला, इसको हमें सेट करना होता है यहाँ पे, ये वाले बोल से एडजस्ट होता है। तो इसके लिए मेरे पास में ये स्पेशल टूल है, ये पीटीओ वाला जो बोल्ट है ये यहाँ से सेट होगा और ये इसका मेन जो ट्रांसमिशन वाला है वो फिंगर को सेट करने के लिए, वो भी मेरे पास में स्पेशल टूल है, तो इसकी मदद से होगा। तो चलो, वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और आपने अभी तक आपका चाहिए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि आपका चाहिए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत रोज़ाना ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता है और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहेगा। तो चलो, अब इसका हम फिंगर का सेटिंग आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमें इसका ये मेन फिंगर सेट करना है, तो इसके लिए हमें 13 और 14 नंबर का फिक्स फैनर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें ये अंडर वाला जो इसका लॉक नट है इसको हमें लूज करना है और इसके बाद ये 13 के फिक्स फैनर से हम इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। और ये जो इसका स्पेशल टूल है, एक कोना यहाँ पे फ्लाईवेट के साथ में ये टच हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे, तो इसका जो हाइट है इस हिसाब से हमें सेट करना होता है ऐसे। ये कैसे होगा, ये जो फिंगर है यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ में टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा इस तरह से महसूस होना चाहिए ऐसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये पट्टी के बराबर गैप है, यानी काफ़ी गैप है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी आप इस तरह से, मैं आपको थोड़ा कैमरा नज़दीक ला के दिखाऊँ कि उसमें गैप किस तरह से है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं अभी काफ़ी गैप है। तो इसको हमें सेट करना है, ये यहाँ पे जो गैप है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हमें इस तरह से ये बोल्ट को लाना है कि सीधा बिल्कुल इसके साथ में हल्का सा टच होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम इसका ये 13 नंबर की फिक्स पैनल से कुछ ऐसे हम इसको, और स्पेशल टूल को हमें बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है और ऐसे इसको, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, पहले ये पट्टी अंदर की ओर जा रहा था, देख सकते हैं अभी ये पट्टी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसका जगह जो था उसको उसके मुताबिक सेट कर लिया है। तो इस तरह से मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, देख सकते हैं ये इस तरह से, ये पट्टी न तो उसके साथ में टाइट होना चाहिए ना लूज होना चाहिए, देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से उसके सिरे के साथ में कटी हल्का इस तरह से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसका ये फिंगर का सेटिंग होता है।
तो इस तरह से इसको हमें सेट करने के बाद ये 13 नंबर का जो उसका सेटिंग बोल्ट है उसको पकड़ लेना है बिल्कुल फिक्स उसकी जगह पे, और उसके बाद हमें ये वाला जो इसका लॉक नट है इसको ऐसे टाइट कर लेना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे इसको हमें अच्छे से लॉक कर लेना है। और इसके बाद एक मरतबा हमें चेक कर लेना है कि इसका सेटिंग तो ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये बिल्कुल जैसा हमने इसको सेट किया वैसा ही देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी जगह बिल्कुल कटी हल्का जगह ना सिरे के साथ में टच होना चाहिए ना तो ज़्यादा गैप होना चाहिए, इस तरह से इसको सेट करना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, तो ये हमने कर लिया देख सकते हैं। अभी ये दूसरा वाला है उसमें भी काफ़ी जगह है देख सकते हैं यहाँ पे, ये पट्टी पूरा का पूरा अंदर की ओर जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये बाकी दो को भी हम सेट कर लेते हैं और उसके बाद ये जो पीटीओ वाला है उसका सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, तो जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों इसका हमने कंप्लीट सेटिंग कर लिया है, तो अब मैं आपको पीटीओ वाला जो फिंगर इसका जो बोल्ट है उसका सेटिंग कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कैमरा को थोड़ा एक और रख लूँ। हाँ तो दोस्तों ये वाला स्पेशल टूल है देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से ये अंदर में जाना चाहिए लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे नहीं जा रहा है, यानी उसमें प्ले नहीं है, तो इसमें हमें इस स्पेशल टूल की मदद से प्ले करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका ये जो लॉक नट है 13 नंबर के फिक्स पैनल से इस तरह से इसको हमें खोल लेना है, हल्का लूज करना है, तो देख सकते हैं अभी हमने इसको लूज किया। उसके बाद इसको हमें टाइट करना है, जैसे हम टाइट करेंगे इसमें जगह बनेगी और हम इसको खोलेंगे तो जगह कम होगी, तो इस तरह से हम इसको टाइट करना है जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो अभी देख सकते हैं ये पट्टी बिल्कुल फ्री अंदर की ओर जाने लगी है देख सकते हैं, पहले ये पट्टी नहीं जा रहा था और ये पट्टी भी बिल्कुल इजी जाना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे। तो अभी हम इसको अच्छे से लॉक कर लेते हैं ये वाले नट को, तो देख सकते हैं अभी ये इस तरह से होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों इस तरह से ये मेसी 241 DI का फिंगर का सेटिंग होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे किसान भाइयों में भी शेयर करें। चलो हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।